हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी में स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ जो निकला हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, आप लोग यहाँ लिखा हुआ है जिसमें कि लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई है। जिसमें कि लैब टेक्नीशियन की 4 है, फिजियोथेरेपिस्ट का 1 है और स्टाफ नर्स का 7 है। और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यदि ये वीडियो आप लोग अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में पूरा अंत तक। और कैसे आपको इस PDF को ले सकते हैं, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ बताता हूँ। भाई अब देखते हैं नोटिफिकेशन। जैसे नोटिफिकेशन में देख रहे हैं आप कि लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर द पोस्ट ऑफ लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है। फिजियोथेरेपिस्ट जिसमें कि 4 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट जिसमें कि 1 पोस्ट और स्टाफ का जिसमें कि 1 पे पोस्ट है। और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, कहाँ पर निकला है, तो ये है गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल श्रीकाकुलम। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड नंबर ये है इसका। ठीक है, इसको मेमो नंबर के तौर पर हम लोग इधर यूज करते हैं, इसका ये रिकॉर्ड नंबर है। ठीक है, तो अप्लीकेशन जो है मैंने फॉर्म भर, इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सारा चीज़, अप्लीकेशन शैल बी फर्निश्ड टू सुपरिटेंडेंट GH श्रीकाकुलम इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। इसमें फॉर्मेट दिया गया है, इसको आप जिसको फॉर्म भर करके आप जो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स कैन बी अटेंड श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे, आप जाकर इसको जो भी है डिटेल्स आप उसको अपलोड कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि सारा पोस्ट बता दिए क्या क्या लगेगा। जैसे कि लैब टेक्नीशियन का जो लगेगा डिग्री, इसमें है कि पास SSC विथ डिप्लोमा इन MLT और इंटरमीडिएट विथ MLT मस्ट बी रजिस्टर्ड इन आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड, मैंने आंध्र प्रदेश पैरामेडिकल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन होना वहाँ का अति आवश्यक है। इसमें जो दिया हुआ है लैब टेक्नीशियन का, फिजियोथेरेपिस्ट का ऐसे कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर गवर्नमेंट, अच्छा फिर नर्सिंग का भी दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, लेकिन इसमें यह नहीं लिखा है कि आंध्र प्रदेश का ही होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि शेड्यूल ऑफ द रिक्रूटमेंट, जैसे कि इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो इशू हुआ है इसका 14/9/21 को इशू हुआ है। और टाइम जो है सबमिशन का जो है 14/9/21 से 23/9/21 तक आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म फिलअप है और करके आप इसको एड्रेस पे, जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है उस पर आप भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ नोटिफिकेशन में फिर देख रहे हैं, यहाँ दिया हुआ है नोटिफिकेशन सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल श्रीकाकुलम। ठीक है, ये है और यहाँ पे यहीं पे क्या है आपका, अच्छा इसमें तो आपको पैसा फीस भी लगेगा जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। और नोटिफिकेशन जो है, जो रिक्रूटमेंट निकला है, आप जो भी पोस्ट निकला है उसको जो है आप जो भेजेंगे, इसका ये एड्रेस है, एड्रेस देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जो दिया यहाँ पर दिया है द इलिजिबल कंडी, जो इलिजिबल है इसके लिए वो आपका जो है लैब टेक्नीशियन के डिमांड ड्राफ्ट, उसको 300 रुपये का भरना पड़ेगा। और जो है स्टाफ नर्स का 500 रुपये, फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा हाँ 300 रुपये लैब टेक्नीशियन का है। ठीक है, स्टाफ नर्स का 500, उसे लैब टेक्नीशियन का और स्टाफ नर्स का दोनों का 300 रुपये है और फिजियोथेरेपिस्ट का 500 रुपये। ठीक है, आप डिमांड ड्राफ्ट किस नाम से बना सकते हैं, तो फेवर ऑफ हॉस्पिटल डिपार्टमेंट सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ जनरल हॉस्पिटल श्रीकाकुलम के नाम से आप इसको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ देख रहे हैं ये दिया हुआ है, आप PDF डाउनलोड करके, जैसे कि आप PDF यदि इसका चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पिछले वीडियो में दिया हुआ है इसका लिंक, तो वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर मैंने ज्वाइन कर सकते हैं जाकर टेलीग्राम चैनल, या तो फिर इस वीडियो में भी मैं 1-2 घंटा के बाद अपलोड करने के बाद दे दूँगा, फिर वहाँ से जाकर चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। देखिए इसका एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, आप इसको फॉर्मेट को प्रिंट आउट करके इसको भर करके फिर आप इसको स्पीड पोस्ट करके भेज दीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग ये वीडियो अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए अपना लेबोरेटरी टेक्नीशियन चैनल।